माई यूट्यूब फैमिली तो वेलकम बैक टू माय चैनल बहुत दिनों बाद मैं आज मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रही हूँ तो दिस इज गेट रेडी विद मी फॉर तीच पूजा और मैंने दिस इज नॉट अ मेकअप ट्यूटोल मैं पहले बता दूँ तो मैंने पहले सनस्क्रीन यूज़ किया न्यूट्रोजना का दैन मैं लैकमे का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है ताकि आपका फाउंडेशन के ना लगे और मैं यहाँ पर लॉरियल का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही सही लगता है मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा ही ओवर कर लिया है तो इट शुड बी लाइट तो ये मैंने कंसीलर यूज किया है बाय द वे मैं सारे प्रोडक्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी इफ इन केस यू नो और शेड्स आप जाना चाहो तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हो कि क्या शेड मैंने मैं यूज कर रही हूँ तो यहां पे मैंने कंसीलर यूज किया है तो मैंने अंडर आई एंड देन नोज़ पे आ, चिन पे थोड़ा सा आ, मैंने कंसीलर यूज़ करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आ, ताकि जो भी आपके डार्क सर्कल्स हैं वो छुप जाए मेरे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आफ्टर डिलीवरी मतलब अभी तो थोड़े कम हो चुके हैं बट पहले बहुत ज़्यादा थे एंड देन उसके बाद में मैंने आ, अपना ब्लश और कॉन्ट्रो वाला जो पैलेट है मेबलिन का वो निकाला और मैंने ब्लश यूज़ किया है और इसका ब्लश बहुत अच्छा है मुझे आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं ब्लश बहुत ज़्यादा इतना कि विजिबल हो जाता है मुझे एक नेचुरल सा लुक चाहिए था कि एक नेचुरल फ्लश जैसा रहे कि हाँ थोड़ा सा पिंक सा है बट बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता देन आ, मैंने उसमें से उस आईब्रो अपने किए हैं आईब्रो मैंने ब्लू हेवन ब्रांड का लिया था आईब्रो पेंसिल और उससे ही मैंने किया मुझे वो बहुत अच्छा लगता है देन जो आपका कॉन्टोर पैलेट है वो बहुत अच्छा है उसमें कॉन्टोर हाइलाइटर एंड ब्लश तीनों तो आपके ट्रैवल पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा है एंड देन मैंने के ब्यूटी का लूज पाउडर लिया था जिससे मैंने अपना जो भी बेस था वो सब कुछ सेट किया मैं फाउंडेशन एंड देन कंसीलर से अभी मैं अपने आई शेडो के लिए उसको प्रिपेयर कर रही हूँ बेस को तो मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है और अभी मैं जो आई शादो है वो आपको दिखाने जा रही मेरे पास दो ब्रांड्स हैं एक मेकअप uh, रेवोल्यूशन का और एक वेटन वाइल्ड का तो मैं सोच रही हूँ कि वेटन वाइल्ड ही यूज़ करूँ मेकअप रेवोल्यूशन किसी और दिन ट्राई करेंगे हम तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो एक लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ और ये वेटन वाइल्ड का आई थिंक रोज इन द एयर पैलेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं और इसमें आपको सारे शेड्स मिल जाते हैं जो मतलब पार्टी के लिए नॉर्मल के लिए मैट लुक के लिए शिमरी के लिए सब कुछ है इसमें तो मैं डार्क वाले शेड से आ, उसके कट क्रीज कर रही हूँ एंड देन कॉर्नर में भी कर रही हूँ एंड देन लाइट शेड जो है मैं यहाँ पे मैंने ये स्विस ब्यूटी का एक शैम्पेन शेड है उसको मैं यूज कर रही हूँ शिमर के लिए बीच में मेरा बेटा भी है जो मुझे देख रहा था मुझे उसको बीच बीच में इंटरटेन भी करना पड़ता है तो आई शेडो के लिए मुझे आ, कुछ शिमरी सा चाहिए था बिकॉज इस तीज पूजा तो मैट लुक दिन में बहुत अच्छा लगता है बट अगर, अगर आप नाइट वाइट में कुछ पूजा वूजा कर रहे हो लाइक फंक्शन में पार्टीज़ में जा रहे हो तो शिमरी शेड्स बहुत अच्छे रहते हैं तो यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मैंने तीन लिया था अगर आपने नायका हॉल में देखा होगा अब ये काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने शादी के पहले ही लिया था तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था मुझे मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया था वो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा उसका आई थिंक रोज़ और रोज गोल्ड रिलेटेड एक शेड है शिमरी का मैंने वो भी यूज़ किया था फिर उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ अपने आईब्रोज़ के नीचे आ, वो मैंने लगाना भूल गई थी मैं तो फ़िलहाल लगा रही हूँ ताकि वो आ, आप जो हाई लाइटर लगाओ वहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा लगे अभी फिर यहाँ पर मेरा आई मेकअप हो गया है जितना मुझे चाहिए था तो मस्कारा भी मैं यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन का मेब्लिन uh, में एक वाटर भी है एंड देन एक uh, आपका विदाउट वाटर भी है तो मुझे विदाउट वाटर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो ईजिली आप ना निकाल सकते हो आप uh, uh, साफ कर सकते हो अदरवाइज वाटर प्रूफ वाला थोड़ा मुश्किल होता है बट हाँ मसला वाटर से निकल जाता है बट स्टिल तो यहाँ पे हम कॉन्डो करने जा रहे हैं तो मैंने अपना नोज किया है हल्का सा uh, चीक पे भी किया हुआ है तो अभी इसको करने के बाद में देन जॉलाइन भी uh, मैंने किया और उसके बाद में हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा ही आगे हैं <laughs> मैंने वेट गेन किया उसके वजह से कॉन्टोर इज़ मस्ट फॉर मी फॉर नाउ अदरवाइज़ मैं पहले इतना कॉन्टोर वंटर नहीं करती थी बट हाँ अगर आप जब तैयार हो रहे हो पूरा अपने एफ़र्ट्स लगा रहे हो तो ठीक है क्यों आई नॉट कॉन्टोरिंग तो यहाँ पर अब मेरा कॉन्टोर हो गया है मैं जा रही हूँ अभी हाइलाइटर लगाने के लिए हाइलाइटर के लिए आ, मैंने वही मेबलिन का ही पैलेट यूज़ किया है और नॉर्मल सा ही मतलब इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे मेबलिन का जो हाइलाइटर था बट ओके ओके है दिन के लिए ज़्यादा अच्छा है बट रात के लिए नहीं है जो बहुत कम मेकअप चाहते हैं लाइट मेकअप चाहते हैं उनके लिए बेटर है तो यहाँ पे मैं अपना आईलाइनर लगा रही हूँ जो कि लाकमे का है पता नहीं मैं सदियों से यही आईलाइनर लगा रही हूँ मेरे पास दूसरे भी ब्रांड्स के हैं बट अगेन मैं यही घूम फिर करके इसी पर आ जाती हूँ तो ऐसा हमेशा होता है कि एक आँख के अच्छे लग जाते हैं और दूसरे के नहीं बट अगर आपका कोई फंक्शन नहीं हो कुछ भी नहीं हो तो उस दिन बहुत अच्छे से लगता है और यहां पे मैं जा रही हूं लिपस्टिक यूज करने के लिए जो कि मैक का है ऑल फायर्ड अप तो मैंने क्योंकि पिंक साड़ी पहनी थी तो मुझे लगा कि मैं चलो पिंक लिपस्टिक लगा लेती हूँ तो इसीलिए मैंने ये ऑल फाइड अप लिपस्टिक लगाई है और न्यूड के साथ न्यूड लिपस्टिक भी आप यूज़ कर सकते हो अच्छा लगेगा बट हाँ बिंदी तो लगाना ही है हमें तो यहाँ पे मैंने बाल सोचा कि खोल लूँ बट थोड़ी बहुत गर्मी थी तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है यार इतने लंबे बाल मैं खुला नहीं रख सकती बट देखते हैं अभी क्या करना है बट हाई दिज आर माई इयर रिंग्स तो ये मैंने गोल्डन कलर का इयर रिंग्स बीच में पहना था मुझे लगा कि ग्रीन ज़्यादा बेटर लगेगा तो अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ तो क्योंकि पूजा का है ऑब्वियसली वैसे तो मैं डेली लगाती हूँ बट मैंने सोचा आज मेकअप कर रही हूँ तो उसी टाइम पे लगा लूँगी तो मेरा सिंदूर लग गया अगर आप चाहो तो ऐसे बाल खोले रख सकते हो अच्छा लगेगा बट क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे गजरा लगाना है तो मैं अपने थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना लूँ तो ऐसे बीच से मैंने अपना मांग निकाल करके दैन दोनों साइड क्लिप किया ऐसे भी लगा सकते हो आप जिनको बहुत ओवर नहीं करना है तो ऐसे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इन इफ़ इन केस आप टीका यूज़ करना चाहते हो तो टीका भी यूज़ कर सकते हो तो स्टिल इट लुक्स बेटर बट मैंने सोचा कि मैं गजरा तो लगाना ही है मुझे तो खुले बालों में मैंने गजरा ट्राई किया तो बहुत लोग ऐसे भी लगाते हैं मैंने सोचा नहीं यार मैं जूड़ा ही बना लेती हूँ तो जूड़े के साथ में गजरा ज्यादा सुंदर लगता है तो मैंने ऐसे ही झूड़ा बनाया दिन गजरा लगाया एंड मुझे लगा कि यार टीका निकाल देते हैं अभी फिलहाल के लिए तो दिस इज द फाइनल लुक कमेंट uh, डाउन कि आपको कैसा लगा और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में तकलीफ़ तक